हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पिछले क्लास में डिस्कस किया था। कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग्स किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, पहला वह टॉपिक है एसेट्स। क्या है बाबू? एसेट्स। सभी लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है बाबू? संपत्ति। मतलब आज से अगर कोई आपसे पूछे कि एसेट्स आपका कितने का है, या आपके पास एसेट्स कितना पड़ा हुआ है, तो इतना समझ जाना वो आपके संपत्ति का बात कर रहा है। ठीक है, वो आपके पास कितनी संपत्ति है। अब भले ही आपका व्यापार हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। अगर एसेट्स अगर आपसे पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो कि हाँ, जो आपके पास धन पड़ा हुआ है, ठीक है, अब कोई बिल्डिंग हो या कैश पड़ा है या बैंक बैलेंस पड़ा है, ठीक है, वह सारे आपके व्यापार के लिए क्या है? संपत्ति आपका एसेट्स है। ठीक है, अब एसेट्स को चलो हम लोग अकाउंटिंग के तौर पे समझते हैं, किस किस को एसेट्स बोलेंगे, एसेट्स का मतलब होता क्या है और क्यों एसेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, मैंने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल मैं व्यापार को स्टार्ट कर दिया, ठीक है बाबू। अब व्यापार को स्टार्ट करने के बाद इस व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको मेरे पास रिक्वायरमेंट है। जब तक यह नहीं रहेगा, तब तक हम व्यापार को चला नहीं पाएंगे। मतलब अगर सिंपल शब्दों कोई कहे एसेट्स किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कि एसेट्स व्यापार को अस्थाई और अस्थाई रूप से चलाता है। मतलब एसेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? व्यापार को चलाने के लिए। ठीक है, मतलब संपत्ति क्या होता है व्यापार के लिए? मतलब एक प्रकार का या ऐसा, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म से कि ऐसा वर्ड है जो व्यापार को क्या करता है, अस्थाई अस्थाई रूप से चलाता है। अगर व्यापार में अगर मेरे एसेट्स नहीं है, ठीक है, तो हम व्यापार को बेटर तरीके से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कोई भी व्यापार हो, सबसे पहले संपत्ति एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स बहुत सारे टाइप्स के होंगे, लेकिन कौन कौन सा एसेट्स बहुत जरूरी है वह डिस्कशन करने वाले हैं। अगर एक शब्द में बताना है तो बता सकते हो, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में लेना है वो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। क्या समझे? जिस वस्तु का बेनिफिट फ्यूचर में लेना है वो हमारे व्यापार के क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। मतलब व्यापार के वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करता है, अस्थाई या अस्थायी रूप से, हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। मतलब कोई भी व्यापार चलेगा तब जब उस व्यापार में एसेट्स रहेगा, तब बिना एसेट्स का कोई व्यापार चलाया नहीं जा सकता। इतना ध्यान देना। और सिंपल से तो बताना है तो बता सकते हो, वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है अस्थायी या अस्थायी रूप से, वो व्यापार के लिए एसेट्स कहलाते हैं। और भी सिंपल बताना है तो बता सकते हो, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है वो व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा समझते हैं एक बिजनेस के हिसाब से। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक संस्था खोलना है, ठीक है, क्लियर है, एक इंस्टीट्यूट खोलना है। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे पहला जरूरी क्या है? तो ध्यान दो, सबसे पहले मेरे लिए जरूरी क्या है व्यापार को चलाने के लिए? मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। बोलो, है कि नहीं? है, होना चाहिए। अगर आप कहो सर ना हो, तो क्या व्यापार नहीं चला सकते? नहीं चला सकते, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का संस्था है। और आप बताओ, आप पढ़ने आओगे? मैं केवल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो बहुत पढ़ोगे, तो 2 दिन पढ़ोगे कंप्यूटर के बारे में थ्योरी, और आपको प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखाऊंगा, लैब में प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, तो क्या मेरे यहाँ एडमिशन कराओगे? आप नहीं। पढ़ोगे नहीं। तो क्या कंप्यूटर हमारे व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
कर रहा है अस्थाई या अस्थाई रूप से, ध्यान देना है। इसीलिए इस कंप्यूटर को बोलते हैं हमारे व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है, मीन्स संपत्ति है। चलो नेक्स्ट, और मेन जरूरी क्या है, तो मेन जरूरी है फर्नीचर। क्या जरूरी है जी, फर्नीचर। मतलब पहले तुम लोग बोरे पे भी बैठ के पढ़ लेते थे, ठीक है, हम कौन लोग पढ़े हाथ उठाए बोरे पे, बस एक दो। अच्छा तुम लोग ब्रांडेड हो रही है, ठीक है। चलिए ध्यान देना, मतलब पहले हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, ठीक है, तो क्या करते थे, मतलब झोला बोरा का ही झोला, ठीक है, बोरा दोनों लेके जाते थे, और ठीक है आराम से नीचे बिछाओ और बैठ के पढ़ो। लग मैं 5 क्लास तक वैसे पढ़ा हूँ, बोरे पे ही पढ़ा हूँ। अब तो बेंच पे मान लो छोटे छोटे लड़के भी बेंच पे बैठ रहे हैं, बोरा मतलब खत्म सिस्टम हो गया इस समय, ठीक है। बहुत ही कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग 5 क्लास तक बोरे पे बैठ के पढ़े हैं, 6 के बाद से बेंच मिला हम लोग, ध्यान देना। तो इस समय जरूरी मेरे लिए क्या है, अब कहेंगे बाबू सभी लोग कंप्यूटर पढ़ने आना, एक एक बोरा लेके आना होगे, नहीं मतलब इसमें तो अच्छे से फैसिलिटी खोजते हो, नहीं फर्नीचर है, ठीक है, बेंच है, ठीक है, बेंच के अलावा अगर चेयर रहता पार्टिकुलर किसी पर्सन का और अच्छा रहता, ठीक है, मतलब अच्छे से सुविधा सोचोगे कैसे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कई जगह देखोगे, ठीक है, केवल सबके लिए स्पेशल अलग अलग चेयर होता है, ठीक है, अलग अलग कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पे है, ठीक है, फैसिलिटी ज्यादा है, चार्ज भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है। बेंच है, तो जो फर्नीचर हमने रखा है, अब फर्नीचर में बहुत सारे फर्नीचर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे जरूरी फर्नीचर कौन सा है, बेंच के लिए, बोलो और भी क्या जरूरी है जी, बोलो। मेरे पास कुछ कैश होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत होनी चाहिए, ना हो तो भी थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, ये होने चाहिए ना। उसके बाद से क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बोलो। उसके बाद से क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्टर होनी चाहिए, बोलो। मतलब नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस समय देखो सभी लोग ब्रांडेड हो चुके हैं, ठीक है, मॉनिटर पे कोई नहीं पढ़ना चाहेगा जब प्रोजेक्टर देख लेगा तो, ठीक है, बहुत ही कम लोग पढ़ेंगे, तो सुविधा हमको लाना पड़ेगा, तभी लड़के मेरे पास आएंगे और मेरा व्यापार अच्छे से चलेगा। मतलब इस व्यापार को चलाने के लिए मेन जो मैं बता दिया हूँ, एक कंप्यूटर होने चाहिए, बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में पढ़ाए, ठीक है, प्रोजेक्टर होने चाहिए, कुछ कैश होने चाहिए, ठीक है, फर्नीचर होने चाहिए, ठीक है, और अच्छे हमारे यहाँ टीचर होने चाहिए, ठीक है ना। तो बेटर तरीके से आप लोग क्या करोगे, अरे लाइट वो अलग बात है, ठीक है, वो एक्सपेंस करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा संपत्ति नहीं है लाइट, ठीक है, वो लाइट हम खर्च करेंगे, जितना खर्च करो पैसा देंगे, ठीक है, लाइट हम लोग का संपत्ति नहीं है, क्लियर है बाबू। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कुछ हमने नाम रखा है जो रियल में हर एक व्यापारी के पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए समझो। अगर मान लो कोई वैसे, मान लो कंप्यूटर संस्था वाला नहीं है, और वैसे अगर कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे, ध्यान देना। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक कोई व्यापारी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और किसको किसको एसेट्स बोलेंगे। देखो उसके पास जो भी बिल्डिंग पड़ा हुआ वह व्यापार के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। जो उसके पास क्या है, कैश पड़ा हुआ है, वह उसके लिए क्या है, एसेट्स है। जो बैंक बैलेंस पड़े हुए हैं वह व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है। जो स्टॉक पड़ा हुआ है वह उसके व्यापार के लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, अगर मान लो अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर रखा है, ठीक है, तो उसके पास वह एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर तो चाहिए ही चाहिए, बिना फर्नीचर का काम नहीं चलेगा, और फर्नीचर में बहुत सारे हो जाएंगे ना, यह कॉमन है, यह होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी व्यापार को अच्छे से चलाया जा सकता है, अन्यथा व्यापार को सही से चलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें भी कुछ ऐसे हमारे एसेट्स हैं जो लंबे समय के लिए हैं, और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत ही कम समय के लिए हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस है, क्या जी, शॉर्ट टर्म बेसिस है। चलो मैंने आपको अभी जिक्र किया और बताया है कि अगर कोई पूछे एसेट्स किससे कहते तो क्या जवाब दोगे, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। एक और एग्जांपल मैंने बताया है, ठीक है, वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करे, मदद करे, अस्थाई और अस्थाई रूप से, वो
हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। आप बताइए जो बिल्डिंग है हमारे व्यापार को चलाने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर बिल्डिंग ना रहे, इस समय गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो आप तो बैठ के पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। मान लो खुले में अपना प्रोजेक्टर नहीं लगाएंगे, दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, बिल्डिंग जरूरी है। आप बताइए यहाँ पे कैश, मतलब थोड़ा बहुत कैश भी होने चाहिए। पता नहीं व्यापार में कब कौन सा एक्सपेंस आ जाए, बताओ। कैश से व्यापार को चलाते कि नहीं चलाते? चलाते हैं, तो कैश भी जरूरी है। बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत जरूरी है, ना रहे तो भी चलेगा प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में जरूरी है। ठीक है, स्टॉक, मालूम है व्यापारी हूँ, ठीक है, जो सामान जिसको मैं डील करता हूँ, जो बेचता हूँ, अगर वही ना है तो व्यापार को चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। फर्नीचर, मालूम सामान को रखोगे कहाँ पे? ठीक है, आप ऐसा तो है दिन भर खड़े खड़े बेचोगे, ठीक है, चेयर मंगाओगे बैठने के लिए, ठीक है, दो चार और रखोगे कस्टमर के लिए, और भी व्यवस्था है, रेक बनवाओगे उस सामान को रखने के लिए, सारे फर्नीचर में आ जाएंगे। जरूरी है कि नहीं है? है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बिना वैसे नहीं हो पाएगा। चलो अगर कहा जाए तो लाइट का व्यवस्था करोगे, एलईडी लगवाओगे, ठीक है, अब अंधेरे में कस्टमर नहीं ना खरीदेगा, बोलो, कंज्यूम होगा, अलग बात है। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, अब वायर भी दौड़ा दिया, अब बल्ब लगे नहीं किया, ठीक है, तो लगाने का क्या मतलब है? उजाला के लिए कनेक्शन लिया है, अब उजाला हो ही नहीं रहा है, तो अंधेरे में माल नहीं बेचेंगे, बोलो, पता चले कहाँ क्या है। मतलब फैसिलिटी बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, वी2 मार्ट में, ठीक है, थोड़ा बहुत एसी का हवा खाने के लिए सेल्फी ले जाते हैं, कपड़ा कम खरीद ले जाते हैं, फैसिलिटी ज्यादा मिलता है। वही कपड़ा जो 1200 में वहां मिलेगा, वही कपड़ा लोकल मार्केट में 700-800 में मिल जाएगा, ठीक है, कहना तो चलो दिलवा दूंगा, वही पसंद करके आना, और मार्केट में 2-4 दुकान में खोले मिल जाएगा, लेकिन वो 1200 जो मिलेगा ना, 1800 मिल जाएगा, ठीक है, महंगा हो जाता है, क्या सुविधा कुछ देता है, ठीक है, और उसके लिए चार्ज ज्यादा लेता है, और जाते भी आप, ठीक है, अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लस फैसिलिटी कुछ अलग मिलते हैं, ठीक है, सेल्फी भी कुछ हो जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छे अच्छे हैं, इसलिए ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वही सामान सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वो थोड़ा बहुत व्यवस्था लगाए रहते हैं, ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूर का महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें सुविधा चाहिए, ठीक है, कुछ लोग पैसे का पहलू समझते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं समझते, ठीक है, कुछ लोग सोचते कोई बात नहीं, हमको सुविधा अच्छी चाहिए। कई सारे ऐसे संस्थान है, आप लोग जाओगे, यही डीसीए हो जाएगा 10,000, फिर यहाँ पे डीसीए कराते हैं हम 13,500, फिर भी लड़के आगे पढ़ते हैं, क्यों? यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, व्यापार के एक्सेस पॉइंट। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो जीआईटी के नाम से आते हैं, कई सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे नाम से आते हैं, कई सारे ऐसे लड़के जो सर्विस करके नाम से आते हैं, तो जो जिससे पढ़ा, जिसको पसंद आया तो भेजता है, कहो जाओ यहाँ पे, सब उसको बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सर्विस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, या जो सर पढ़ाते हैं उसके सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, या कई लोग नाम सुने कि जीआईटी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो अलग अलग पॉइंट है, वो सब हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार के ऐसे बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब किताबी भाषा देखा जाए क्या लिखा है। जी 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 पढ़ाएंगे, अरे प्रतीक तो ये सब तो जान लो, आए पहले जा रहे चलिए ध्यान देना आप लोग, देखिए एसेट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है। दो एसेट्स, मतलब एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, अभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पहले एसेट्स के बारे में पढ़ लो, देखो नोट्स में भी दिया है। देखिए बताया क्या जा रहा है, वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, क्या कहलाता है? एसेट्स। अब देखो बताया जा रहा है, एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मतलब बिना पैसे का कोई वैल्यू उसका मतलब नहीं है, जैसे भवन, मतलब बिल्डिंग, अभी बताया हूं ना, कंप्यूटर, कैश आदि। और एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, क्या क्या? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। चलिए अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है, आते हैं आप इसको समझिए, पता तब चलेगा आपको फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं, करंट एसेट्स किसे कहते हैं। देखो अभी मैंने बताया है एसेट्स के कितने टाइप्स, दो,
कौन कौन सा जी? फिक्स और एक करंट नहीं, पहले बोलते करंट, ठीक है ना। अब ध्यान देना इन दोनों का मतलब क्या है। अब देखो मैं कुछ एसेट्स का नाम रख रहे हैं और उसमें मैं छांट के बता रहा हूं कौन सा फिक्स एसेट्स है कौन सा करंट एसेट्स है। तो चलिए ध्यान देना, कंप्यूटर या व्यापार के लिए एसेट्स है, क्लियर है सबको ना? चलो दूसरा बिल्डिंग व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स है। लेकिन ध्यान देना यह एक ऐसे एसेट्स हैं जो व्यापार में लंबे समय तक यूज करेंगे। क्या जी? लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब आप बताओ तो क्या आज कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या 2-4, 10, 2 साल ठीक है और 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर स्मार्टफोन खरीदे हो आप तो अगर बढ़िया से चलाओ तो कई साल चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मैंने पीसी खरीदा है तो अच्छे से चलाऊंगा, मेंटेनेंस के कुछ खर्चे लगेंगे, कई साल चलेंगे। प्रोजेक्टर जो मैंने खरीदा है वो भी कई साल चलेंगे। मतलब ध्यान देना वो सभी वस्तुएं जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो, जैसे बिल्डिंग, भले हम रहे ना रहे अगर अच्छे से मकान बनवाए हैं तो कई सालों तक चलेगा, चलेगा ना? ठीक है, वो कंप्यूटर कई सारे कई सालों तक चलेगा। और फर्नीचर आप बताओ, मुझे लगता है कि 2014 से संस्था चल रहा है, कुछ ऐसे बेंचेज हैं जो पुराने भी चल रहे हैं ठीक है और पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। हाँ थोड़ा होता, दिक्कत क्या होता है कभी क्लिप निकल जाता है, कारपेंटर को बुलाते हैं ठोकवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, चला जाता है। बोलो तो ये चलेंगे। ये ऐसे एसेट्स हैं जो व्यापार में लंबे समय तक यूज करूंगा और लंबे समय तक इसका बेनिफिट लूंगा, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं बाबू? फिक्स एसेट्स। मतलब इतना समझना, वह सभी वस्तु में जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो और जो व्यापार को चलाने में हेल्प करती हो, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कम से कम 1 साल से ज्यादा हो, वो सभी वस्तु क्या आते हैं? फिक्स एसेट्स में आते हैं। जैसे कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है ना, ये सभी क्या है हमारे व्यापार के लिए? जी फिक्स एसेट्स है। अगर करेंट एसेट्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस वस्तुएं आती हैं, जैसे या वैल्यू आता है कोई भी, कोई कोई ना कोई वैल्यू रहता है, जैसे क्या? कैश। और आप बताओ कैश को करेंट एसेट्स क्यों माना गया? बोला गया करेंट एसेट्स वह एसेट्स जिसका बैलेंस लगातार उस फाइनेंशियल में घटता बढ़ता रहे, ठीक है ना, और वह शॉर्ट टर्म बेसिस हो उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स, जैसे कैश। और एक दो नाम बता दो, बैंक बैलेंस। आपको सही कैसे? आप बताओ आज मेरे व्यापार में बिक्री हुआ तो आज मेरे पास 500 है, कल नहीं बिक्री हुआ कुछ खर्च कर दिए जीरो हो जाएगा, और अगर ज्यादा बिक्री कर दिया तो वही 5 लाख रुपया हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब हमेशा घटेगा बढ़ेगा इसका वैल्यू। आप बताओ आज बैंक में पैसा हमने रखा 1,000 रुपया, कल कोई जरूरी 1,000 रहेगा क्या? कल 2,000 भी हो सकता है और अगले दिन 500 रुपये भी हो सकता है। क्या वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? दोनों हो रहा है, ठीक है। चलो और क्या हो सकता है? स्टॉक। क्या है जी? स्टॉक। आज मान लो मेरे पास कितना पीस है? 5 पीस है, मंगवा दिया वो कल 20 पीस हो सकता है, बेच दिया कल 10 पीस हो सकता है, और बेच दिया 2 पीस हो सकता है, मंगवा देंगे फिर से 50 पीस हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं फिक्स करके रखा है 50 को रहेगा, ठीक है, भले साल भर बेचेंगे। बोलो और भी क्या हो सकता है? बहुत सारे नाम है यार, इसको रटने से काम नहीं चलेगा। क्रेडिटर नहीं, डेबिटर्स। डेबिटर्स मतलब बोलो, हाँ कस्टमर से जो पैसा हमको लेना है, जो उधार माल हमने दिया है। आप बताओ आज मैंने 500 रुपए का उधार आपको दे दिया, कल पैसा लेना है कि नहीं लेना है? उसका बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। आप दोगे वो पैसा मैं रिसीव करूंगा, तो क्या कल 500 है तो अगले दिन भी 500 ही रहेगा क्या? नहीं, वो व्यापारी आएगा फिर से खरीदेगा, 500 से 2,000 हो सकता है, फिर से 1,000 जमा करेगा, फिर से 1,000 बचेगा, फिर से 5,000 जमा करेगा, 6,000 का सामान लेगा, फिर से 1,000 बचेगा, उसका बैलेंस हमेशा घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसा तो है ना कि साल भर के लिए उधार देंगे कि बाबू आ जाओ और साल भर के बाद पैसा देना, कहेगा नहीं बाबू उधार नहीं बेचेगा, तुम जाओ कम में बेचेंगे, होता है 1 महीना 2 महीना,
ठीक है, ये नहीं दो दो साल 33 साल बोलो। तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। बोलो हो जाएगा। अब देखो अगर तीनों के बारे में बताना तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे? अगर कोई पूछे सिंपल, तो मैं एसेट्स से कहते हैं बता सकते हो, सभी वस्तुएं जो व्यापार को स्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है वो क्या कहलाता है? एसेट्स। क्लियर है? या एक शब्द बताना है तो बता सकते हो जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, वो सभी वस्तु हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। कौन कौन सा? करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई पूछे फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? वो सभी वस्तुएं जो व्यापार में लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाए और उसका बैलेंस साल भर में केवल एक बार घटता बढ़ता है, उसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी, इसी बहुत सारे हो सकते हैं। हो जाएगा ना? करंट एसेट वो सभी वस्तुएं जो व्यापार में, ठीक है, मतलब मदद तो करती है चलाने को, लेकिन उसका बैलेंस समय तक घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। हाँ, इसे फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका फ्लो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए फ्लोटिंग एसेट्स कई लोग पूछ देंगे आपसे, ठीक है, तो परेशान मत होना। करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं? जी चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है और क्या एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए फिक्स एसेट्स के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके फिक्स एसेट्स कहलाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्स्चर आदि। क्लियर है? करंट एसेट्स में देखो ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे डेबिटर्स मतलब कस्टमर का पैसा, स्टॉक मतलब जो मेरे पास स्टॉक माल पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल मतलब जिस बिल के अगेंस्ट पैसा हमको रिसीव करना है, ठीक है, कैश, बैंक बैलेंस आदि। और इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए बुधवार को आपको ये नोट्स भी दे दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ मैंने और बोला था आपसे पढ़ के आने के लिए, क्या? ट्रांजैक्शन। चलिए ट्रांजैक्शन को भी समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तब कंसेप्ट जो क्लियर कर लेगा रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग रटना नहीं, कंसेप्ट समझना होता, तब वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखिए ध्यान देना, जो शब्द अगला मैंने बोला था पढ़ के आना, और कई लोग पढ़े होंगे, अब तो मैंने पूछा ही नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है, कल फिर से कॉपी चेक करेंगे। देखो ट्रांजैक्शन, देखो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन सौदा। क्या बोलते हैं जी? लेन देन, या वैसे लोग बोलते हैं सौदा, ठीक है, क्लियर है? अब देखो लेन देन कब बोलेंगे, क्या इसका मतलब है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ध्यान देना, मेरा व्यापार है और मैं कहां पे चला गया, एक बिजनेसमैन के पास चला गया और मैंने कोई गुड्स खरीदा, गुड्स मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, कोई वस्तु माल खरीदा हमने, परचेज किया। तो जब परचेज किया तो आप बताओ हमारा मतलब एएसके और जो ये पीके हैं, इन दोनों के बीच कुछ डील हुआ है जी? मतलब एएसके ने पूछा होगा कि यह गुड्स कितने का है, पीके ने बताया होगा यह गुड्स इतने का है, इन्होंने पूछा तो बताया इन्होंने यह गुड्स 500 रुपए का है। क्लियर है? मतलब जो डील होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, जो सौदा होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? वैल्यू होता है, क्योंकि बिना किसी वैल्यू का हम कोई डील करते नहीं है बिजनेस में। ध्यान देना, भले हम फ्री में दे दे उसकी बात अलग है, बाद में कह सकते इतने का सामान इनको फ्री में दे दिया। मतलब जो ट्रांजेक्शन होगा उसका कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, उसको मनी के रूप में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, मापा जाता है। और आप बताओ ये जो ट्रांजेक्शन होता है किसके बीच हो रहा है? एसके और पीके के बीच। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? दो लोग इन्वॉल्व हैं।
मतलब हमेशा किसी भी सौदे में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ध्यान देना, मतलब एसके और पीके मतलब दो पक्ष हैं। मतलब एसके ने डील किया किस पे? पीके से, और पीके ने डील किस पे किया? एसके से। तो इन दोनों के भी जो लेन देन हुआ, जो खरीद बिक्री हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं जी? ट्रांजेक्शन, इसे बोलते हैं सौदा। अब देखो और सौदा कहाँ कहाँ आ सकता है? तो मेरा व्यापार, किसी से माल कोई खरीदा परचेज किया, या पहला ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने वह पैसा पेमेंट किया, क्या किया जी? पेमेंट किया, जो उधार माल खरीदा है, या दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने किसी को माल बेच दिया, किसको बेचोगे जी? कस्टमर को बेचोगे, बोलो। या हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। या कस्टमर हमको पैसा दे दिया, हमने पैसा रिसीव कर लिया, या चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। मैं गया बैंक में दौड़े दौड़े और बैंक में पैसा जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो वह हमारा पांचवा ट्रांजेक्शन हो गया। फिर से मैं दौड़े दौड़े गया बैंक से पैसा निकाल लिया, तो यह हमारा छठवां ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब सुबह से लेके शाम तक पूरे साल में ट्रांजेक्शन ही ट्रांजेक्शन करते हैं, और हमेशा दो लोगों के बीच, मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो लोग रहेंगे ही रहेंगे तो भी सौदा किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो। आप बताइए, मैं अपने से खरीदूंगा, अपने से बेचूंगा क्या? मैं कहूंगा खरीद लिया बेच लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं, मतलब हमेशा दो लोग इन्वॉल्व रहेंगे और उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, ठीक है? भले ही एक रुपए का कोई ना कोई वैल्यू होगा, हम भले ही आप हमसे खरीदे बहुत, आपका हमारा बनता तो मैंने फ्री में दे दिया, उसकी बात अलग, ठीक है? लेकिन कभी भी कहेंगे हमने 500 रुपए का फ्री में सामान दिया था, बोलो। कभी ना कभी कर सकते हैं ना, या अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक है? तो उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, और सौदा हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष। चलो, यह होता है ट्रांजेक्शन। तो इतना समझना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हो, खरीद बिक्री, पैसा पेमेंट रिसीव, ठीक है, सैलरी दिया लिया, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हो वह ट्रांजेक्शन ही करते हो, ठीक है ना? व्यापार में तो यही किया जाता है ना, ट्रांजेक्शन। और उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जब किसी को पैसा देते हैं तो उसके लिए पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जब पैसा लेते हैं तो उसके लिए रिसीट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जब खरीदते हैं तो परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर बनाए गए, वो आगे की बात है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या लिखा गया ट्रांजेक्शन के बारे में। 5 मिनट लाइव वाले के लिए बस कितना है? 2 मिनट, ठीक है? लाइव वाले 2 मिनट और आप लोग का चलेगा, क्योंकि मैं 2 मिनट के बाद क्लास बंद कर दूंगा, और लिमिट यही है, ठीक है? अटेंडेंस बोलूंगा, परेशान मत होना। हाँ, देखिए अब क्या बताया जा रहा है। दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर आदि। कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है। मतलब कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं उसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे, मनी रिसीव कर रहे हैं उसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे, किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो भी तो उसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे। और ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, और वह उधार ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। क्रेडिट मतलब उधार और कैश मतलब नगद। चलिए, तूने क्या पूछा बाबू? जी पैसा दिए थे, ट्रांजेक्शन कर दिया आपने, लेकिन आपने खर्च में दिखाएंगे। लेन देन का मतलब क्या है? कभी पैसा लेते हैं कभी देते हैं। अब मान तू मेरे कस्टमर हो,
ठीक है, तो जब भी आओगी तब मुझसे खरीदोगी, केवल पैसा ही दोगी ना, हम कह रहे तुमको देंगे, जब आओगे सामान खरीदोगे दे देंगे, पैसा दोगे चले जाओगे, तो लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।